हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपकी सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आपको पता है सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में या फिर आपके स्कूल के टेस्ट में। तो भाई जो स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए तो सीरीज ब्रह्मास्त्र है। उसके अलावा जो बच्चा नीट या जेई की तैयारी कर रहा है या सीयूटी की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी भाई ये फाउंडेशन है। अगर उसने ये कर लिया तो काफी सारी उसकी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग बार बार बोलते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, थ्योरी हमें आती है। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व तब होंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो हमारे साथ आपको करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग थ्योरी भी कर रहे हैं। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी बीच बीच में बताता हुआ चलूं, ताकि आपको और कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। तो भाई आपके लिए काफी मेहनत से हमारी पूरी टीम ये तैयार कर रही है, तो होप कि आप लोग भी इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और पूरा फायदा उठाने के लिए आपको जो है कॉपी पेन लेके तैयार रहना है, ताकि आप साथ साथ हमारे क्वेश्चन करते रहें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। पांचवी वीडियो लॉज ऑफ मोशन की ये है, पांचवा पार्ट ये है। और इसमें जो है अपेरेंट वेट इन लिफ्ट हमें पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है, अपेरेंट वेट इन द लिफ्ट। तो आपने महसूस किया होगा जब भी आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं या नीचे आती है लिफ्ट आपकी, तो आपको वेट जो है आपका जब नीचे आती है कम फील हुआ होगा। कभी हुआ ऐसा कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपको फील हुआ होगा कि बहुत हल्का सा है, समथिंग ऐसा कुछ फील हुआ होगा। जितनी तेजी से लिफ्ट नीचे आएगी उतना आपको वेट कम फील होगा। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ होगा, अगर आपने कभी हाई बिल्डिंग में गए होंगे तो आप ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है, कितना वेट आपका होता है, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट बढ़ क्यों जाता है, और नीचे आती है तो आपको हल्का या वेट कम क्यों फील होता है, वो आपको आज पढ़ना है। उसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। आपका रियल वेट तो फिक्स है, रियल वेट आपका एम इंटू जी है तो फिक्स है, लेकिन अपेरेंट वेट वहां पे जो होता है आपको जो फील होता है वो कम क्यों होता है वो हमें देखना है। तो मैं आपको बेसिक बेसिक कुछ बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी आपको बताता हुआ चलता हूं। तो आपको थ्योरी बता दूं कि ऐसा जो है वैल्यू क्या आती है। देखो जो बच्चे डेरिवेशन को समझ पाएंगे उनके लिए अच्छी बात है। अगर आप डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फिर फाइनली जो बच्चे अगर डेरिवेशन नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कैसे आया है, वो लोग केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, उनके स्कूल में काम चल जाएगा। लेकिन जो बच्चे अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या उनके स्कूल में टफ पेपर आता है तो उनको पूरा डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, या फिर जो चाहते हैं कि मेरे पूरे नंबर आए तो डेरिवेशन भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझिए, मान लीजिए लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर कोई वेइंग मशीन है जो कि आपका वेट नाप सकती है, उसके ऊपर आप खड़े हो, ठीक है आप खड़े हो। अब ये लिफ्ट जो है मान लीजिए रुकी हुई है, पहले एक बार मानते हैं कि रुकी हुई है, कहीं नहीं जा रही, एक जगह पर रुकी हुई है। अगर ये रुकी हुई है तो अगर मैं फोर्सेस लिखूं यहां पे आपके ऊपर, और तो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे आपके ऊपर, क्या फोर्स लग रहा होगा? जैसे आप खड़े हो यहां पे, आपको मैं अलग कर देता हूं, आपके ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा? आपको सर mg लग रहा है, ठीक है केवल यही लग रहा है, कोई और फोर्स भी लग रहा है? आपको सर यही लग रहा है। अरे यही लगेगा तो नीचे नहीं गिर जाओगे, आप खड़े कैसे हो वहां पे, तो कोई और फोर्स भी लग रहा होगा ना, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो देखिए यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, यहां पे एक जो है ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि एक जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट होता था जब आप कॉन्टैक्ट में आते हो किसी बॉडी के तो फोर्स लगाती है। तो आप किसके कॉन्टैक्ट में हो, आपने इसके ऊपर खड़े हो तो आप इसके कॉन्टैक्ट में हो, तो ये बॉडी क्या होगी, आप पे एक फोर्स लगाएगी। किधर को लगाएगी फोर्स, ये जो बॉडी फोर्स लगाएगी अगर आप मान लो किसी चीज के ऊपर खड़े हो तो किधर को फोर्स लगाएगी, क्या नीचे को लगाएगी? अगर ये नीचे को लगाएगी तो आपको खींच लेगा अंदर, मान लो टेबल के ऊपर खड़े हो, टेबल आपको नीचे खींचेगा तो आप घुस जाओगे टेबल में, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। टेबल जो फोर्स लगाता है वो ऊपर को लगाता है, नहीं आप अपोजिट लगाता है आपको। तो यहाँ पे भी जो वेइंग मशीन है आपको फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये जो एक तरह का रिएक्शन है और ये परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस पे, तो हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो वी कैन से दैट एन इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एन इक्वल टू यहाँ पे एम जी के बराबर है। तो जो वेइंग मशीन होगी उसकी जो रीडिंग होगी एक्चुअली वो एन होगी। तो यहाँ पे एन क्योंकि एम जी के बराबर है तो वेइंग मशीन की रीडिंग भी mg ही आएगी। अगर ये n से कम या ज्यादा हुआ, मतलब n की वैल्यू अगर घटी या बढ़ी, तो फिर क्या होगा, वेइंग मशीन की रीडिंग भी कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला केस क्लियर है। अब मान लो सेकंड केस लेते हैं कि सेकंड केस में ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट स्पीड से, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा या वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी। तो देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मींस देयर इज नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलेशन इज जीरो तो फोर्स इज जीरो, तो फोर्स हमारे जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो अगेन वी कैन राइट एन इक्वल टू एम जी, तो दोबारा एन हमारा एम जी के बराबर आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि ऊपर को एन है फोर्स और नीचे को एम जी है, तो वी कैन राइट दैट एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इक्वल टू एम ए,
और ए कितना है यहाँ पे, ए यहाँ पे जीरो है, तो एन कितना आ जाएगा आपका, एम जी आ जाएगा, ठीक है। तो एन आपका दोबारा जो है एम जी आ गया, तो यहाँ पे भी एम जी आ रहा है। यानी अगर लिफ्ट रुकी हुई है या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे मूव कर रही है, नीचे मूव करेगी तब भी होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तब भी हो जाएगा, नीचे या ऊपर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो देर इज नो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एन इक्वल टू एम जी आएगा इन दोनों केसेस में। तीसरा केस अगर मान लो ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती ऊपर ए से, अगर ये ए से ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, इस बार यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो आप क्या लिखोगे कि एन ऊपर को है और एम जी नीचे है और दोनों फोर्स के कारण नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि नेट जो है आप ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहे हो। दो ही फोर्स है यहाँ पे, एक तो आपकी मशीन लगा रही है आपको और एक एम जी लगा रहा है। आप बोलोगे सर लिफ्ट भी तो फोर्स लगा रही है हमें, भाई तो लिफ्ट फोर्स लगा रही है तो लिफ्ट जो है वेइंग मशीन पे लगा रही होगी, वेइंग मशीन आप पे लगा रही होगी, तो फाइनली जो फोर्स आप जो कॉन्टेक्ट में हो वेइंग मशीन के हो, तो आप जो फोर्स लोगे केवल और केवल वेइंग मशीन का ही लोगे, ठीक है। वो फोर्स बढ़ सकता है घट सकता है, तो यहाँ पे जो है एन और एन जो है आपका ऊपर को है एम जी नीचे को है, अब क्या लिखेंगे हम, एन ऊपर को है माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिखोगे आप, तो यहां से एन कितना आ गया, तो एन आपका जो है एम जी प्लस एम ए आ गया, यानी कि एम जी प्लस ए आ गया। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू एम जी से ज्यादा है, आपके वेट से ज्यादा है, तो यानी आपका वेट क्या हो गया इस बार, बढ़ गया। तो आपको क्या फील होगा कि आपका वेट जो है बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है, मशीन की रीडिंग जो है ज्यादा आएगी इस बार, ठीक है। और अगर मान लो ये केस होता कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा होता तो फिर दोबारा एन आप ऊपर को बनाओगे एम जी नीचे को बनाओगे, इस बार आप क्या लिखोगे, इस बार यू विल राइट एम जी माइनस एन, इस बार ये वाला फोर्स ज्यादा है तो एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए लिखेंगे हम लोग। यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, n को इस तरफ ले आएंगे, m a इस तरफ आ जाएगा तो एम जी माइनस ए हो जाएगा, अगर आप m कॉमन लोगे तो एम जी माइनस ए, लेस देन एम जी आ रहा है इस बार, वेट आपका लेस देन एम जी आ रहा है। तो ये वही वाला केस है कि लिफ्ट नीचे को आती है तो आपको क्या फील होता है, पेट में गुदगुदी सी होती है ना, अब वेट आपको कम फील होता है, आपको लगता है आपका वेट क्या हो गया, घट गया। और देखो स्पेशल केस होता है इसका, अगर मान लो कि अगर लिफ्ट जो है पूरा जी से नीचे आए, मतलब आप रोप की रस्सी काट दो, लिफ्ट की जो रस्सी है वो काट दे कोई गलती से और लिफ्ट जो है नीचे गिरने लगे, तो फिर हमारा वेट कितना आएगा। तो देखो अगर ए जो है जी के बराबर हो गया, इफ ए इक्वल टू जी, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू ए, जी माइनस जी नहीं हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि अगर ए हमारा जी के बराबर हुआ, यानी अगर लिफ्ट नीचे गिर रही है जी से, तो हमारा एन जो है वो जीरो होगा, यानी कि हमारी हमें जो है वेटलेसनेस फील होगी, है ना, हम जो है ऐसे फील होगा कि हम लोग जो है लिफ्ट को प्रेस नहीं कर रहे, हम लोग हवा में गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये केस होता है जब लिफ्ट का रस्सी काट देते हैं, वो केस होता है। आप आगे ऐसे क्वेश्चन भी करोगे कि कोई मान लो थीफ है, उसके सिर पे सूटकेस है, वो नीचे कूदता है बिल्डिंग से, तो उसको वेट कितना फील होगा सूटकेस का, तो जब नीचे कूदेगा तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा, थीफ का भी सूटकेस का भी, तो जी एक्सेलरेशन से जब सूटकेस आएगा तो सूटकेस का वेट कितना फील होगा, जीरो फील होगा। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें जो याद रखना है मेन फॉर्मूला, एक तो ये वाला याद रखना है एम जी प्लस ए वाला, ये कब आएगा, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी, और एम जी माइनस ए कब आएगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, तो वेट हमारा कम हो जाएगा, एक में ज्यादा हो जाएगा। तो उससे आप याद रखना, ज्यादा और कम से याद रखना, एक में जी प्लस ए जी माइनस ए करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ए जो है जी से ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, वो एक अलग केस है, जी आपका फिर वेट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा कि आप लिफ्ट से, मान लो जी अगर ज्यादा हो गया तो आप ना लिफ्ट में आपका जो सिर है वो ऊपर की तरफ चिपक जाएगा, लिफ्ट तेजी से जा रही है, आप जी से गिर रहे हो नीचे, लिफ्ट जी से ज्यादा गिर रही है, मान लो आपका एक्सेलरेशन 10 है, आप जी से गिर रहे हो आपका एक्सेलरेशन 10 है और लिफ्ट जा रही है 15 से, तो आप क्या होगा, आप ऊपर को आ जाओगे, तो लिफ्ट आपका सिर चिपक जाएगा लिफ्ट के ऊपर के उसके साथ जो सीलिंग है, तो एक अलग केस है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे, या तो नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, या फिर रुकी हुई है, या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, पहला क्वेश्चन आ गया, आई होप ये थ्योरी क्लियर हुई होगी, है ना। तो मैंने उतनी थ्योरी आपको बताई जो आपको काम आने वाली है अभी के क्वेश्चंस में, तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इफ अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विल द वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट इंक्रीज और डिक्रीज, अभी मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर को एक्सेलरेशन करता है तो वेट कितना आएगा, अपरेंट वेट विल बी एम, क्या आएगा ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या आएगा, एम जी प्लस ए, जी प्लस ए ऊपर को जो है बढ़ जाता है, तो क्या होता है हमारा वेट, वेट विल इंक्रीज, इंक्रीज हो गया हमारा, तो रियल वेट के मुकाबले ज्यादा है ये। इफ लिफ्ट इज गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो क्या होगा, अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब ए इज जीरो, ए इज जीरो, तो डब्ल्यू डैश क्या आएगा, डब्ल्यू डैश हमारा एम जी के बराबर आएगा, यानी कि डब्ल्यू के बराबर आएगा, ये डब्ल्यू से ज्यादा आएगा,
लेकिन यहां पे डब्ल्यू के बराबर आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड आपकी चाहे कितनी भी हो, किधर को भी हो, जब तक एक्सेलेरेशन नहीं आएगा तब तक ना तो वेट आपका घटेगा ना वेट आपका बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिफ्ट में थीव जंप फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, जो मैं बात कर रहा था, बॉक्स वे ऑन हिज हेड, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस बाय द थीव ड्यूरिंग द जंप। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेट हमारा क्या होता है, नीचे जब कूदते हैं हम लोग तो एक्सेलरेशन नीचे होता है, तो हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस ए, और इस केस में जो ए होगा विल बी इक्वल टू जी के होगा फ्री फॉल में, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस जी, तो इट विल कम एम इंटू जीरो विच इज जीरो, तो उसे कोई वेट उसका बॉक्स का फील नहीं होगा। तो क्या हमें ऐसे कूदना चाहिए, नहीं, ऐसे कूदोगे तो अभी तो वेट फील नहीं होगा, लेकिन जब नीचे टकराओगे जमीन से तो आपको एक फोर्स फील होगा बहुत तगड़े वाला, और फिर जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जीरो आएगा, राइट। आगे चलते हैं, अ मैन ऑफ 70 केजी स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10, पहले में यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, फिर अपवर्ड का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केसेस, हाउ द रीडिंग विल बी इफेक्टेड इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट कम डाउन फ्रीली, और अगर फ्रीली आएगी तो क्या होगा। तो पहला केस हमें दिया हुआ है कि लिफ्ट का जो है क्या है, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म, नो अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो वेट क्या होगा, वेट विल बी एम जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं यहां पे, ए तो जीरो है, तो वेट विल बी एम जी, एम जी का मतलब 70 के जी है, इंटू जी करेंगे 9.8, इसको सॉल्व करते हैं यहां से तो ये कट जाएगा, 8 × 56 हासिल 5, 9 × 63 और 5 × 68, तो हमारा जो वेट आएगा वो 686 न्यूटन आएगा। ठीक है, वेट हमारा जो होता है वो न्यूटन में होता है, वैसे कई बार किलोग्राम में लिखा रहता है लेकिन वेट एक्चुअली न्यूटन में होता है, मास किलोग्राम में होता है, तो वेट हमारा जो आएगा 686 मतलब एक्चुअल वेट है वो आएगा। जी की वैल्यू 9.8 ली है, 10 दे देनी चाहिए, इजी हो जाता थोड़ा, ठीक है, पता नहीं क्यों 9.8 पे लगे रहते हैं लोग। चलो फिर है डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 m/s² नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन 5 m/s², वेट बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, घटेगा, तो W कितना आएगा, एम जी माइनस ए, तो M कितना है 70 है, G कितना है 9.8, A कितना है 5, तो 4.8 आ गया मेरे ख्याल से, ये इंटू 70 मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट से ये हटा दो तो कितना आ गया, ये 7 × 56 हासिल 5, 7 × 28 और 5, 28 और 5 33, 36 न्यूटन, तो इससे कम आ गया वैल्यू, तो हमारा वेट क्या हो गया, घट गया। ठीक है, थर्ड केस क्या है, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अपवर्ड जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 5 ही है लेकिन ऊपर की तरफ है, तो इस बार क्या हो जाएगा, वेट आपका बढ़ जाएगा, तो वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश विल बी एम जी प्लस ए, आसान है सारा, जी प्लस ए जी माइनस ए। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया, 14.8 इंटू 70 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ये हटा दो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 56 हासिल 5, 7 × 28 और 5 × 33 हासिल 3, 7 × 7 = 10, तो वेट आपका जो आ रहा है 1036 न्यूटन आ रहा है थर्ड केस का। अब क्या लिखा है आगे, अब लिखा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन ईच केस, हमने निकाल ली है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट कम डाउन अंडर द ग्रेविटी, अगर उसका पूरा वो जो रोप वाला है खींचने वाला उसका फेल हो जाए और वो नीचे गिर पड़े अंडर ग्रेविटी तो क्या होगा, तो अंडर ग्रेविटी आपको पता है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 9.8, और वेट कितना आएगा इस केस में, कई बार निकाल चुके हैं अब, तो W विल बी एम जी माइनस जी या जी माइनस ए लिख लो पहले फिर जी माइनस जी कर देना, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इस केस में रीडिंग हमारी जीरो आएगी। तो होप आपको सारे केस क्लियर हो गए होंगे इजिली कि किस केस में क्या आंसर आएगा। ठीक है, राइट, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए कई बार टीचर क्या करते हैं, कई बार ना, या किताबें क्या करती है कई बार ना, यहाँ पे आपको 70 केजी की जगह आपका वेट दे देंगे कि आपका वेट मान लो 500 न्यूटन है और फिर पूछेंगे बताओ वैल्यू कितनी आएगी अलग अलग केस में। तो अगर आपको वेट दिया हुआ है तो पहले आप मास निकालो, क्योंकि आप यहाँ पे आपको मास चाहिए, तो इसको पहले आप, वेट क्या होता है एम जी होता है, तो यहाँ से मास निकाल लो, मतलब 500 ए डिवाइड बाई 9.8 कर लो तो मास आएगा, उसको फिर यहाँ पुट करना अलग अलग जगह पे, फिर आपका आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा, पहले मास निकालोगे फिर एक जगह पुट करके फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ये वाला तो आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा, मान लो अगर 500 है तो ये 500 डायरेक्ट आ जाएगा एम जी की वैल्यू, फिर यहाँ पे आपको एम चाहिए होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है 686 3, ये इतना याद था 1036 और 336,
ठीक है, और यहां पे जीरो आ जाएगा। ठीक है चलो आगे मूव करते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, इजी है, कंसेप्ट से कर रहे हैं। बॉडी ऑफ मास 2 केजी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस वर्टिकली इन द लिफ्ट। एक मास है 2 किलो का, उसको जो है हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से टांग दिया। कितने किलो का मास है? 2 केजी का मास, इसको हमने टांग दिया। ठीक है, फिर क्या करा? इट्स फॉलिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो जी से। देन व्हाट इज द रीडिंग इन द बैलेंस, तो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, और अगर वो ऊपर जा रहा होगा तो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। तो इस केस में भी सेम करेंगे हम लोग, जब नीचे हम लोग आते हैं तो बैलेंस की रीडिंग क्या होती है, एम जी माइनस ए, यानी कि जी माइनस जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। मैं आपको और कॉन्सेप्चुअली कर देता हूं। मान लो अगर ये मास है और स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी, एक्चुअली वो यहाँ पे टेंशन जो लगाएगा ये स्प्रिंग इस पे, वही इसकी रीडिंग भी होगी, है ना। मतलब जितना इसको खींच रहा होगा, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग दोनों तरफ से खींचता है, स्प्रिंग का ध्यान रखना, दोनों तरफ से क्या होता है, खींचता है। और जब वो खींचता है तो जिससे आप खींच रहे हो उसको अपनी तरफ खींचता है। मतलब हमने स्प्रिंग को खींचा तो क्या करेगा, दोनों चीजों को अपनी तरफ को खींचेगा सेम फोर्स में। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगाएगा, उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगाएगा। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग में फोर्स है जो ऊपर की तरफ वो लगा रहा है, वो स्प्रिंग के अंदर फोर्स भी बराबर होगा। तो मान लो यहाँ पे फोर्स एफ लगा रहा है स्प्रिंग इस पे, इस वेट पे, तो हम क्या लिखेंगे, एफ, ये एफ है मान लो, तो हम क्या लिखेंगे, एफ, और इसमें नीचे कौन सा वेट फोर्स लग रहा है, एम जी। अगर मैं 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जो 2 kg वाला है उस पर फोर्स मैंने एफ लिखा और इसका एम जी नीचे लिखा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जिधर को भी ए होगा, इसके इसमें ए नीचे है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम जी माइनस एफ, एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अब ए क्या है, जी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, तो एम जी से एम जी कट जाएगा, तो एफ क्या आएगा, एफ हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो एम जी माइनस जी लिखा था उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दें कि स्प्रिंग में भी वही काम होगा जो वेइंग मशीन में होता है, वैसे ही स्प्रिंग में भी होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, अगर वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर मूव, जी से मूव करता है तो क्या होगा। अगर मान लो एक्सेलरेशन ऊपर को होता है जी, तो एफ फोर्स ज्यादा होता, मतलब इस दोनों में कौन सा फोर्स ज्यादा होता, एफ वाला ज्यादा होता, तो हम क्या लिखते हैं, एफ माइनस एम जी इक्वल टू, पूरा लिखेंगे कि इन दिस केस लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, तो फिर ये होगा एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यानी कि एम जी। तो एफ कितना आ जाएगा इस बार, एफ इक्वल टू आ जाएगा आपका ये एम जी, यहाँ के प्लस हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी विच इज इक्वल टू 2 mg। तो इस केस में फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, 2 mg के बराबर आ जाएगा। आपको वैल्यू दी हुई है, हाँ वैल्यू भी दी हुई है आपको, 2 kg दिया हुआ है, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 9.8 विच विल बिकम 4 × 8 = 32 हासिल 3 × 9 = 36 और 3 39.2 N। तो फोर्स हमारा इस केस में कितना आ जाएगा, 39.2 N। तो ये हमें क्या लिखा था कि स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस लिफ्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो फॉलिंग डाउनवर्ड हमने कर लिया, उसके बाद बोला कि रीडिंग ऑफ द बैलेंस अपवर्ड जाएगा तो क्या होगा, तो एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्प्रिंग कैसे काम करता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, स्प्रिंग कैसे काम करता है, दोनों तरफ से खींचता है चीजों को, जैसे मान लो यहाँ पे ना स्प्रिंग जैसे है, तो इधर से इसको खींच रहा है और ऊपर से वो लिफ्ट की छत को खींच रहा होगा नीचे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रांसपेरेंट केबिन, एक ट्रांसपेरेंट केबिन, आपने देखा लिफ्ट आजकल आती है ना कई सारी जो खुली खुली सी लिफ्ट होती है ना, तो ये लिफ्ट है जो मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास की लिफ्ट होती है उस टाइप की, तो इसकी जो है सीलिंग से वो एक जो है आपने बॉडी को सस्पेंड किया, बॉडी मतलब ना कोई मास वगैरह सस्पेंड किया हुआ। ठीक है, और ये फ्रीली फॉल कर रही है अर्थ की तरफ, ये नीचे गिर रही है, ए इसका जो ए है वो जी के बराबर है। आपको बताना है इसका मोशन ऑफ द बॉडी एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, इसका मोशन कैसा दिखेगा ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, पहले केस में वो केबिन में ही खड़ा है या बैठा हुआ है, इस केस में वो यहीं पे है मान लो, तो इसको कैसा दिखेगा इसका मोशन, पूरा नीचे फ्री फॉल कर रहा है तो सारा फ्री फॉल करेगा, ये भी फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट, ये ब्लॉक भी कर रहा है, आदमी भी कर रहा है, तो क्या होगा, सबके सब नीचे की तरफ को जी से आएंगे, तो क्या दिखेगा इसको, क्या दिखेगा इसका मोशन, इसको अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा ये, या दूर जाता हुआ दिखेगा ये मास, या फिर ऐसे लगेगा कि एक जगह पे खड़ा है, मतलब एक ही जगह पे लटका हुआ है, क्या दिखेगा इसे, क्या दिखेगा आपके हिसाब से, अगर तीनों जी से नीचे एक्सेलेरेट कर रहे हैं और लिफ्ट में आप खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा कि जो मास है सीलिंग की में, ये मेरी तरफ आ रहा है या वहीं पर रुका हुआ है या फिर दूर जा रहा है मुझसे, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये अपनी जगह पर ही टंगा हुआ है, तो आपको दिखेगा कि अपनी जगह पर रुका हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसके रिस्पेक्ट आपको जो सिटिंग इन द केबिन होगा उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और ये रुका हुआ है अपनी जगह पे। ठीक है, इसको लगेगा ये रुका हुआ है अपनी जगह पे। अच्छा, जो बाहर खड़ा होगा उसको क्या दिखेगा,
बाहर खड़ा होगा उसको क्या, इसको वेलोसिटी भी जीरो दिखेगी और एक्सेलरेशन भी उसका जीरो दिखेगा कि ये मूव ही नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है। बाहर वाले को दिखेगा कि ये वी इसकी है, क्या दिखेगा, वी इसकी है। मान लो यहाँ पे खड़े ग्राउंड में तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ मत होना नहीं तो लिफ्ट गिर जाएगी आपके ऊपर, तो यहाँ पे खड़े हो तो वी आपको दिखेगा कुछ है, और आपको क्या दिखेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर। तो इसको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ को जी से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग जो है ऑब्जर्वेशन है, तो इक्वेशंस भी अलग अलग बनती हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट होता है जो कि आप को पता होना चाहिए, और जो लोग कॉम्पिटिशन वाले इसको पढ़ते हैं वहां पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर, ठीक है। चलिए, 75 kg मास स्टैंड इन अ लिफ्ट, अब मैन ऑफ मास होगा, 75 kg मास स्टैंड इन अ लिफ्ट, फोर्स, व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एग्जर्ट ऑन हिम व्हेन द एलिवेटर स्टार्ट मूविंग अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 m/s², ठीक है। तो एलिवेटर कितना फोर्स लगाएगा, ग्राउंड जो उस पर होगा वो कितना फोर्स लगाएगा जब ये एक्सेलेट कर रही होगी ऊपर को 3 m/s² से। आदमी का मास कितना है, आदमी का मास है 75 kg, आपको फोर्स बताना है कि जो नीचे से फोर्स उस पर लग रहा होगा ग्राउंड से वो फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एन जो होगा एम जी प्लस ए, किसके होगा, जी प्लस ए के बराबर, ऊपर को एक्सेलेट कर रहा है तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर आदमी का बनाऊं, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, मतलब सारे फोर्स लिखते हैं इस पे, तो सारे फोर्स अगर मैं इस पे लिखूं जो कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, ओहो इसको टाइप है, तो इस पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है नीचे से एन, उसके अलावा और कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा कॉन्टैक्ट वाला, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, और इन दोनों के दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, और इन दोनों के कारण ये क्या हो रहा है, ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 m/s². तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, एन ज्यादा हुआ या एम जी ज्यादा हुआ, कौन सा फोर्स ज्यादा है यहाँ पे, इसका मतलब यहां पर एन फोर्स ज्यादा है क्योंकि ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो एन फोर्स ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन में, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, ए हमारा 3 है तो हमें एन निकालना है, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए, यानी कि एम जी प्लस ए, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल बिकम, एम की वैल्यू कितनी है 75, जी की वैल्यू कितनी है 10, थैंक गॉड जी 10 दिया पहली बार, मैं यार परेशान हो गया 9.8 करते करते, 10 प्लस ए, ए कितना है भाई, ए ए ए 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 13 × 75, इसको सॉल्व कर लो जो भी आंसर आएगा, ठीक है। 13×5 = 65, हासिल 6 × 13 = 97 होते हैं मेरे ख्याल से, 91 और 6 = 97, तो 975 न्यूटन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमारा जो आएगा 975 न्यूटन आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट आपको, जमने किया है पीछे वाला, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे फॉर्मूला लगा के, मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया कैसे कैसे होगा, कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ जब भी क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो वहां पे आपको फिर कंसेप्ट से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी आ रहा है तो इसमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे दे रखा आपको कि अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज रेज्ड बाय अ 50 kg मैन, एक 50 किलो का आदमी है और एक ब्लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है दो अलग अलग तरीके से। तो अब तरीके आपको दिखे रहे हैं, एक बार तो ऊपर उठा रहा है और एक बार इसने पुली लगा दी यहाँ पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज किया तो पुली लगा के इसने इसको रस्सी को खींच के ऊपर उठाया। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, जैसे कुएं में करते हैं, कुएं में देखा होगा आप लोगों ने, कुएं में जो पानी खींचते हैं जैसे लोग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन द टू केसेस, दोनों केस में एक्शन ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर कितना इस पे फोर्स लगाएगा दोनों केस में वो बताना हमें। इफ द फ्लोर यील्ड एट अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन विच मूव शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट फ्लोर यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है कि अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो आपके पांव नीचे धस जाएंगे उसमें, है ना, फ्लोर ब्रेक हो जाएगा या धस जाएंगे आपके पांव, तो 700 न्यूटन पे धस जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो कौन सा उसे मेथड लगाना चाहिए ताकि वो फ्लोर यील्ड ना करे। तो आपको देखना पड़ेगा कहां पे आपका फोर्स 700 से कम आ रहा है और कहां पे फोर्स 700 से ज्यादा आ रहा है। अगर दोनों में 700 से ज्यादा आ रहा है फिर तो कोई मेथड नहीं चलेगा, दोनों में कम आ रहा है दोनों चल जाएंगे, एक में कम आ रहा है एक में ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वाला नहीं चलेगा, कम वाला चल जाएगा। तो कैसे निकालोगे देखो, कंसेप्चुअली करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे, आदमी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो केस ए लेते हैं पहले, ये वाला केस ए है मान लो, तो आदमी यहां पे खड़ा है, आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है देखो, आदमी जो खड़ा है इस पे एक तो फ्लोर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, उसको एन से लिखते हैं या आर से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं आर से लिख रहा हूं, मान लो नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा है इस पे, ठीक है, दूसरा फोर्स इस पे एम जी लग रहा है,
और कोई फोर्स इस पे, क्या ये एक्सेलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, रुका हुआ है अपनी जगह पे, एक्सेलेशन तो है नहीं इसका। इस पे और कोई फोर्स लग रहा है? यहां से फोर्स आपने ले लिया, एम जी का ले लिया, यहां से कोई फोर्स, यहां से कोई फोर्स, नहीं, यहां पे लग रहा है एक फोर्स। क्या लग रहा है? रस्सी का फोर्स है, तो रस्सी से ये ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है। तो आदमी पे फोर्स किधर को लगेगा? हम बनाने आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, तो आदमी पे फोर्स पूछ रहा हूं मैं, ब्लॉक पे नहीं पूछ रहा। आदमी पे फोर्स किधर लगाएगी? रस्सी नीचे लगाएगी या ऊपर लगाएगी? रस्सी होगी जो आदमी को नीचे खींचेगी या ऊपर? ऑब्वियसली यार नीचे खींचेगी ना, आदमी को उसको ऊपर खींचा तो रस्सी उसको नीचे खींचेगी। तो रस्सी जो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी इस पे, वो कितना लगाएगी? नीचे की तरफ लगाएगी, जो भी फोर्स होगा। तो मान लो ये रस्सी का फोर्स है, मान लो टेंशन बोलते हैं इस फोर्स को, तो टेंशन फोर्स इस पे नीचे लग रहा है। ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। अच्छा, अब यहां पे हम देखें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो टेंशन ऊपर की तरफ है और एम जी नीचे है 25 जी। तो हमारे जो टेंशन है, पहली बात तो वो तो 25 जी के बराबर आए, क्योंकि ये ब्लॉक आपका जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन हम मानते हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो टी इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो है हमारा, तो टी इक्वल टू एम जी के बराबर होगा, तो टी हमारा 25 जी के बराबर आ गया। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, आर चाहिए हमें यहाँ पे। तो देखो ये आदमी पे तीन फोर्स लग रहे हैं, अब इन तीन फोर्स का रिजल्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है आदमी का क्या? नहीं हो रहा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? आर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? नीचे दो फोर्स नीचे हैं, टी नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, आर ऊपर लग रहा है, तो जो आर फोर्स होगा वो दोनों नीचे वाले फोर्स के सम के बराबर होगा, यानी टी प्लस एम जी होगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 25 जी। और एम जी कितना हो जाएगा? एम जी जो है आदमी का अपना वेट है, आदमी का अपना वेट 50 किलोग्राम दे रखा है वहां पे, तो ये कितना हो गया? 75 × g। जी का वैल्यू दिया हुआ है? हे भगवान, नहीं दिया हुआ। हो 10 मान लू, मैं 10 मान रहा हूँ, मैं 10 मान रहा हूँ, नहीं अब मैं 9.8 नहीं लूंगा, मैं 10 लूंगा, 750 न्यूटन। ठीक है, तो 750 न्यूटन आ गया। ठीक है, अरे यार ले लिया करो, तो थोड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है चलो, तो 750 न्यूटन आया इस वाले केस में। तो भाई फ्लोर बचेगा इसमें? फ्लोर तो यील्ड हो रहा है 700 पे, और आपका जो फोर्स आ रहा है उस फ्लोर आदमी पे 750 लगा रहा है, तो आदमी फ्लोर पे भी 750 लगा रहा होगा। कौन सा लॉ है? न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो भाई फ्लोर तो यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें बचेगा नहीं बचेगा। तो इसमें आप देखें अगर, तो इसमें जो है ये टी इधर लग रहा है, तो टी इस बार अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो टी इक्वल टू 25 जी। अब भी वही आएगा टी की वैल्यू तो, लेकिन यहाँ पे जो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा यहीं पे बना लेते हैं। तो आदमी पे जो फोर्स लग रहा है, देखो इस बार जो है रिएक्शन तो ऊपर है ही है, आर डैश मान लेते हैं, एम जी इसका नीचे लग ही रहा है, लेकिन टेंशन किधर लग रहा है इस बार? इसने और रस्सी इसने यू पकड़ी हुई है, तो रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी किधर खींचेगी? इसे रस्सी से ऊपर की तरफ खींचेगी ऐसे। तो इस बार टेंशन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस बार इसका क्या बनेगा? जो ऊपर वाले फोर्स हैं कौन कौन से हैं? टेंशन और आर डैश ऊपर है, एम जी नीचे है, देर इज नो एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, आप लिखोगे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू एम जी प्लस आर डैश। तो क्या आ जाएगा से? टी इक्वल टू एम जी प्लस आर डैश। और हमें क्या निकालना है? हमें आर डैश निकालना है, तो आर डैश क्या हो जाएगा हमारा? टी माइनस एम जी के बराबर। अब टी कितना है आपका? टी माइनस एम जी के बराबर टी कितना है आपका? 25 जी। और कुछ गलत कर दिया हमने, हमने क्या लिखा? टी प्लस, ओ गलत कर दिया हमने, दो फोर्स ऊपर जो है टी और आर डैश है, तभी मेरे को ये आंसर गलत आ रहा है ना, नेगेटिव आंसर आ रहा है। टी जो है ऊपर है और आर डैश ऊपर, यानी टी प्लस आर डैश जो है वो एम जी के बराबर है, यानी कि जो आर डैश की वैल्यू है वो एम जी माइनस टी है। अब एम जी की वैल्यू जो है 50 जी है और टी आपका 25 जी है यहाँ से, तो ये कितना आ गया? माइनस करके 25 जी आ गया, 25 जी करेंगे तो 25 × 10 यानी 250 न्यूटन। तो इस बार 250 न्यूटन आया, यहाँ पे 750 न्यूटन था। फ्लोर जो यील्ड कर रहा है वो 700 न्यूटन पे कर रहा है, तो भाई इस बार हम लोग क्या होगा, हमारे घर का फर्श या जो भी वो है जमीन है वो क्या होगी? यील्ड नहीं करेगी और आप बच जाओगे, आपके पांव मिट्टी में गंदे मैंने धसेंगे नहीं अंदर। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है चलो डन। तो यानी पानी अगर आपको खींचना हो तो ऐसे खींचना होता है। ठीक है, तो फोर्स जो है 250 न्यूटन आया इस केस में, और इन्होंने भी जी 10 लिया, थैंक गॉड। और दोनों कर दिए इन्होंने, कहा करो? अच्छा यहाँ शुरू हुआ है क्वेश्चन ही, आई थिंक वो आगे पीछे हो गई स्लाइड,
यहां से शुरू हुआ है, तो केस ए में जो है 750 न्यूटन आया, केस बी में 200 न्यूटन आया, तो 700 न्यूटन वाला सेफ है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके चलिए, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था थोड़ा, इसलिए मैंने आपको ना बेसिक से बताया कि आरडीएस कैसे निकालते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे फॉर्मूले सारे एम जी प्लस एम जी माइनस ए लगा के, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत आपको पड़ गई, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्चुअल है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ क्लोज ग्लास केज, एक ग्लास केज है जो बंद है, पिंजरा है, उसमें वो बर्ड बैठा हुआ है, और ये गर्ल के हाथ पे एक केज है वो पिंजरा। विल द गर्ल एक्सपीरियंस अ चेंज इन द वेट इफ द बर्ड, अगर जो है वेट आपका चेंज होगा क्या अगर हमारा बर्ड क्या करे, स्टार्ट फ्लाइंग इन द केज विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अगर बर्ड हमारा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे केज के अंदर, तो क्या हमें वेट केज का चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्या केज का वेट चेंज होगा। ये केज है जो एक बच्चे के हाथ में है, और यहां पे जो है बर्ड जो है बैठा हुआ था, और अब वो मान लो यहां पे बैठा हुआ था, अब वो जो है इसमें मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। देखो केज का वेट कब चेंज हो सकता है, केज का वेट तब चेंज हो सकता है जब आप जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हो केज पे, अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन कितने लगा रहा है बर्ड केज पे, एमजी के बराबर लगा रहा है भाई, बर्ड पे फोर्स, बर्ड पे जो केज लगा रहा है फोर्स वो एमजी लगा रहा है, क्योंकि बर्ड का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बर्ड पे एमजी नीचे लग रहा है और केज का रिएक्शन ऊपर लग रहा है जिसपे बैठा हुआ है, एमजी ये आर ऊपर लग रहा है, तो आर इक्वल टू एमजी के बराबर है अगर बर्ड रुका हुआ है, ठीक है। तो आपके जो इसको गर्ल को जो फील होगा वो वेट कितना फील होगा, एक तो एम जी इसका आ जाएगा बर्ड का जो एम होगा, और प्लस एक केज का एम होगा, तो एम जी प्लस एम जी यानी कि एम प्लस एम जी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेट बढ़ रहा है तो कब बढ़ सकता है वेट, वेट तब बढ़ सकता है अगर ये आर जो है चेंज हो जाए, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है ये, अगर ये बर्ड पे जो रिएक्शन लग रही है वो चेंज हो जाए, तो अगर बर्ड पे रिएक्शन ज्यादा हो जाए तो बर्ड भी यानी पिंजरे पे ज्यादा नीचे फोर्स लगा रहा है तभी उस पे ज्यादा लग रही है एक्शन रिएक्शन, अगर बर्ड पे आर ज्यादा हो गया मतलब वो पिंजरे पे भी आर ज्यादा लगा रहा है, तो उस केस में केज का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आर ज्यादा का मतलब क्या है, आर ज्यादा कब लग सकता है, आर लगने का मतलब है जब वो आर एमजी से ज्यादा कब होगा, आर मोर देन एमजी का केस कब आएगा, जब इधर को एक्सेलरेशन हो रहा हो, अगर इधर को एक्सेलरेशन हो रहा हो तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया एमजी से, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका पिंजरे का वेट बढ़ जाएगा, लड़की को लगेगा कि पिंजरे का वेट एकदम से एम जो भी आपकी वैल्यू आ रही थी एम प्लस एमजी से ज्यादा हो गया, ठीक है। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि पक्षी ने नीचे की तरफ को फोर्स ज्यादा लगा दिया आर, तो पक्षी पे भी ज्यादा लग रहा है फोर्स, लेकिन पक्षी ने ज्यादा लगाया इसलिए पिंजरे का वेट बढ़ जाएगा। तो अब देखो किस केस में बढ़ेगा, पहला केस लिखा है कि व्हेन द बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, बर्ड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई करेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, जीरो है, तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आर इक्वल टू एमजी के बराबर होगा। तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ए इक्वल टू जीरो, This implies that R equal to mg. तो अभी भी क्या होगा हमारा रिएक्शन जो होगा वो mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। आप कई बच्चे बोल सकते हैं सर कि बर्ड फ्लाई कर रहा है तो हवा को नीचे पुश करेगा तो पिंजरे को पुश करेगी तो वेट बढ़ना चाहिए, बढ़ क्यों नहीं रहा, अरे भाई जब वो हवा को पुश करेगा तो उसको कितना मैंने उसको जो पुश फोर्स मिल रहा है कितना मिल रहा है, एमजी तो मिल रहा है, अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे एमजी फोर्स मिल रहा है, अब वो कैसे मिल रहा है, हवा को पुश कर रहा है, हवा उसे पुश कर रही है तो उसे एमजी मिल रहा है, यानी हवा को कितना पुश कर रहा है, एमजी की फोर्स से पुश कर रहा है नीचे, तो पिंजरे को एमजी से पुश कर रहा है, वो तो पहले भी कर रहा था, यहां भी तो कर रहा था एमजी से पुश, जो वो बैठा हुआ था पिंजरे के ऊपर तब भी तो वो एमजी से पुश कर ही रहा था, तो अभी कोई फर्क थोड़ी पड़ा उसमें, दोनों केस जो है वो क्या है यानी सेम केस है, चाहे वो बैठा हुआ है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड केस, अगर वो ऊपर को एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, अगर वो ऊपर को एक्सेलरेट करेगा भाई तो ऑब्वियसली जो है मैं यहां पे ले देता हूं, अगर सेकंड केस में हमारा एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो भाई आर माइनस एम जी जो होगा वो एम ए के बराबर होगा, तो आपका आर जो है वो बढ़ जाएगा यानी जी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि बर्ड पे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, तो बर्ड भी यानी पिंजरे पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो पिंजरे का वेट क्या होगा, एपरेंट वेट ऑफ द पिंजरा विल बी मोर, ठीक है। तो ये आपका बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तीसरा केस, अगर नीचे को कर रहा है तो क्या होगा, इस केस में नीचे को कर रहा है तो क्या होगा, ए नीचे की तरफ होगा तो मतलब एमजी ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एमजी माइनस आर इक्वल टू एम ए, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी एमजी माइनस ए, तो ये वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू जो है लेस हो गई एज कंपेयर टू पहले वाले केस से। आप बोल सकते हो कि आपका जो वेट है वो कम हो गया,
W जो है W डैश से कम आ रहा है। तो इस पिंजरे का वेट क्या फील होगा इस बार, W इज लेस देन W डैश, तो पिंजरे का वेट जो है, जो एपरेंट वेट है वो जो है कम हो जाएगा, है ना। यहां पे हम एपरेंट लिखते हैं, यहां पे जो पिंजरे का एपरेंट वेट है अब वो जो है कम आएगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू के। तो इस केस में वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक केस में कम हो जाएगा, इस केस में बढ़ जाएगा, और इस केस में सेम रहेगा। आई होप अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली हमने देख लिया कैसे कैसे होगा, आई होप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं हो रहा स्कूल में, अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि एम जी प्लस ए हो जाएगा उस केस में वेट उसका पक्षे का, तो पिंजरे का वेट बढ़ जाएगा। एक में एम जी माइनस ए जाएगा इसलिए बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, और एक में एम जी ही रहेगा तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है ये भी जो है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कंप्यूट द स्मॉलेस्ट एक्सेलरेशन विद विच 50 केजी मैन स्लाइड डाउन इन द रोप इफ द रोप कैन विदस्टैंड अ टेंशन ऑफ ओनली 300 न्यूटन। तो एक रस्सी है जिसपे एक आदमी जो है नीचे की तरफ को फिसल रहा है, ठीक है, वो होता है ना टॉर्जन, तो टॉर्जन बन रहा है इस पर, टॉर्जन बन के जो फिसल रहा है नीचे की तरफ को। आदमी का वेट कितना है, आदमी इसको पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से, और आदमी का जो वेट है दैट इज कैसे बनाऊं मैं, ऐसे होगा आदमी, चलो ठीक है। तो आदमी का जो वेट है वो कितना है, आदमी का वेट है 50 केजी, तो इसका वेट है 50 केजी और ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मैन का वेट 50, सॉरी मास 50 केजी है, एंड टेंशन जो इसमें हो सकती है रोप में मैक्सिमम कितनी हो सकती है 300 न्यूटन। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, ठीक है, ओके। अब देखो आदमी का, हमें रोप में ना 300 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हम नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो टूट जाएगी। अब आदमी का हम एक बार देखते हैं, आदमी पे फोर्स क्या लग रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। तो आदमी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, आदमी पे एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, वो तो आपको पता ही है, एक फोर्स तो ये है और ये नीचे को एक्सेलरेट भी कर रहा है। इसके अलावा और क्या फोर्स है, ये रोप को पकड़ के नीचे आ रहा है, तो रोप किधर को फोर्स लगाएगी इस पे, रोप किधर को लगाएगी, ये रोप को पकड़ के नीचे आ रहा है तो रोप किधर को लगाएगी, भाई रोप तो ऊपर को लगा सकती है, रोप से धक्का तो नहीं मार सकती, रोप तो इसे खींच सकती है बस, कम खींचेगी ज्यादा खींचेगी, खींच सकती है, धक्का नहीं मार सकती रोप, तो रोप इसे जो खींचेगी, क्योंकि रोप को नीचे खींच रहा है तो रोप इसे ऊपर की तरफ खींचेगी, तो रोप इस पर फोर्स लगाएगी मान लो टी, ठीक है। तो ये टी है, तो ये रोप को टी से नीचे खींच रहा होगा और रोप इसे ऊपर टी से ऊपर खींच रही होगी। अब ये टी जो है ना, यही वो टी है जो 300 से कम होना चाहिए। तो टी की वैल्यू निकालते हैं, टी की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो इस आदमी के तीन फोर्स हैं, माने दो फोर्स हैं और ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना, और कोई फोर्स तो नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट आ जाएगा। अब जो है हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या लिखोगे, एम जी माइनस टी लिखोगे, टी माइनस एम जी लिखोगे, कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है एम जी वाला, यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो क्या लिखेंगे एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी टी की, टी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए, दिस इंप्लाइज दैट जी माइनस ए, राइट, एम जी इधर आके माइनस ए हो जाएगा, तो ये आया। अब जो टेंशन है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 300 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो एम जी, जी मतलब हमारा 9.8 मान लेते हैं, माइनस ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। अब एम का वैल्यू 50 है तो 50 इंटू 9.8 ऐसे कर लेते हैं, माइनस 50 या 50 से डिवाइड कर लेते हैं, 50 इंटू 9.8 माइनस ए शुड बी लेस देन 300, 50 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो कट जाएगा, 6 × 5 = 30, तो 9.8 माइनस ए शुड बी लेस देन 6, कटेगा तो 5 × 6 = 30, तो ए विल बी 9.8 माइनस इधर जाएगा तो 6, ये इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो ए जो है मोर देन किससे आ रहा है, 9 × 6 = 3, 3.8, तो ए जो है मोर देन इक्वल टू 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेशन इसका जो नीचे की तरफ को है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 3.8 होना चाहिए, कम से कम, अगर उससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर उससे कम हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, मान लो रुक गया, एक्सेलेशन कम हो गया, जीरो हो गया, एक्सेलेशन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एम कितना है 50, 50 × 10 करोगे तो 500 न्यूटन आ गया, तो टेंशन 500 न्यूटन, तो रोप क्या होगी, टूट जाएगी, है ना। तो इसे जो है क्या करना पड़ेगा, रुक नहीं सकता, इसको एक्सेलेरेट करना ही पड़ेगा, वो भी नीचे की तरफ को, और वो भी जो है 3.8 से ज्यादा एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, तभी भाई ये रोप बचेगी, तभी जो है कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3.8। तो भाई यहाँ पे हमने जो है ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़ा हमारे
तो हमने इनको जो है सॉल्व कर लिया है, रोप वाले क्वेश्चंस को। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आप लोग भी और प्रैक्टिस करें। तो भाई आपसे अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग बताइएगा आपने कितनी वीडियो देख ली है, कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।